आईपीएल का मेगा ऑक्शन होने वाला है और ये इसी साल होने वाला है। आईपीएल 2025 में भाई कुछ नियम बदले जाएंगे। अब सवाल ये है कि भाई रिटेंशन की संख्या कितनी होगी, उस पर भी बात करेंगे। आरटीएम कार्ड का क्या होगा और आरटीएम कार्ड होता क्या है, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें बीसीसीआई ने अब पूरी तैयारी कर ली है कि आईपीएल का जो मेगा ऑक्शन है वो किस तरीके से किया जाएगा और रिटेंशन की संख्या क्या हो सकती है। रिटेंशन में भाई अनकैप्ड प्लेयर कितने हो सकते हैं, विदेशी खिलाड़ी कितने हो सकते हैं, भारतीय खिलाड़ी कितने होंगे, और हर टीम के पास हो सकता है 5 खिलाड़ियों को ऑप्शन उनको मिले कि भाई 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। सो आई थिंक ये अब जानकारी सामने आई है अगर रिपोर्ट्स की माने। हालांकि ऑफिशियल अभी भी कुछ जानकारी है नहीं, लेकिन हाँ जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि हर टीम के पास 5 खिलाड़ियों की कहीं ना कहीं प्लानिंग होगी रिटेन करने की। और बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि वो 5 खिलाड़ी कौन कौन से हो सकते हैं। और आपको बता दें कि हर टीम के पास जो जानकारी मिली है लगभग 115 से 120 करोड़ रुपए का पर्स होगा। और जहां तक राइट टू मैच कार्ड की बात है, राइट टू मैच कार्ड आईपीएल 2018 में आया था, यानी कि 2018 में राइट टू मैच कार्ड सबसे पहले आया था। और इसके तहत अगर कोई खिलाड़ी टीम ने रिटेन नहीं किया है लेकिन उसे आरटीएम लिस्ट में डाला है तो वो टीम आईपीएल ऑक्शन में उसे सबसे आखिर में खरीद सकती है। हालांकि उस प्लेयर को सबसे ऊंची बोली में खरीदना होगा जो कि खिलाड़ी की मौजूदा कीमत से कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये कुछ इनफैक्ट इन्फॉर्मेशन है। हालांकि जो आरटीएम कार्ड है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन जहां तक इंपैक्ट प्लेयर की बात है भाई, इंपैक्ट प्लेयर रूल हमने देखा था आईपीएल 2024 में, उसमें कुछ जो बड़े खिलाड़ी, इनफैक्ट जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो उनके अगेंस्ट नज़र आए थे, चाहे रोहित की बात हो, विराट की बात हो। इनफैक्ट रोहित ने तो कहा भी था कि भाई ये कहीं ना कहीं जो ऑलराउंडर्स हैं उनके लिए काल बनेगा इंपैक्ट प्लेयर रूल। और आप हमने देखा भी था भाई, चाहे शिवम दुबे की बात करें, हार्दिक पांड्या की बात करें, और इन खिलाड़ियों को क्या था कि ये बैटिंग तो करने आ जाते थे बट बॉलिंग का इनको मौका नहीं मिलता था, क्योंकि वहाँ पर आप इंपैक्ट प्लेयर डालते थे, अच्छा तेज गेंदबाज या फिर स्पिनर, और उसमें क्या थे जो ऑलराउंडर हैं वो गेंदबाजी नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हो सकता है कि आईपीएल 2025 में वो इंपैक्ट प्लेयर रूल आप खत्म होता हुआ भी नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए भाई आईपीएल 2025 में जो टीमें होंगी, कुछ बड़े खिलाड़ी इस टीम से उस टीम में जाते हुए नजर आ सकते हैं। चाहे अभी खबरें आई थी जो, हालांकि अभी भी ऑफिशियल कुछ नहीं है, बट कहा गया था केएल राहुल हो सकता है आरसीबी में चले जाएं, रोहित शर्मा पता नहीं फ्रेंचाइजी के साथ उनका साथ छोड़ सकते हैं एमआई का। लेकिन जहां तक बात भाई खिलाड़ियों को रिटेन करने की, जैसे मुंबई इंडियंस है उनके जो 5 खिलाड़ी टॉप पर होंगे, आई थिंक उसमें सबसे पहले रोहित होंगे। रोहित को नहीं जाने देगी एमआईटी टीम ऐसा लगता है, क्योंकि रोहित बड़े प्लेयर हैं। और सूर्य कुमार यादव होंगे, हार्दिक पांड्या, बुमराह और ईशान किशन भी हो सकते हैं। तो ये 4-5 खिलाड़ी होंगे जिनको रिटेन करना चाहिए, ऐसे ही केकेआर। और केकेआर तो ये भी चाहती होगी शायद, फ्रेंचाइजी कुछ फ्रेंचाइजी ये चाहती है जो रिटेंशन की संख्या भाई वो 6, 8, 10 तक भी चले जाए तब भी बल्ले बल्ले। बिकॉज जैसे SRH है वो चाहे कि भाई हमारे जो बड़े प्लेयर हैं, इनफैक्ट चाहे ट्रेविस हेड की बात हो, अभिषेक की बात हो, पैट कमिंस की बात हो, क्लासिन की बात हो, मार्करम की बात हो, वो चाहेंगे सारे प्लेयर हमारे साथ ही रहें। केकेआर भी यही चाहेगी कि जो हमारे पास जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे वो हमारे पास ही रहें। सो आई थिंक जो बड़ी टीमें वो चाहेंगी, बट मज़ा आएगा देखने में कि भाई इस बार का जो मेगा ऑक्शन क्या होने वाला है। और कहीं ना कहीं जो 5 खिलाड़ी हैं वो बड़े दिलचस्प होंगे कि भाई किन किन को रिटेन करेंगे, और जो बाकी खिलाड़ी हैं वो किस टीम में जाएंगे ये भी पता चलेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि रिटेंशन की लिस्ट की जो पॉलिसी है वो कुछ दिनों में आने ही वाली है और आपको सारी चीज़ें वहाँ पर पता भी चल जाएगी। खैर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है और आईपीएल मेगा ऑप्शन को लेकर आप क्या सोच रहे हो कि कौन सी टीम है वो भाई जिनके पास अच्छी खिलाड़ी है और वो रिटेन करना चाहेगी इन 5 खिलाड़ियों को, कमेंट बॉक्स में आप भी बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।